क्या हाल आमिर भाई? बढ़िया भाई, क्या लुकिंग है यार। वो बड़े महंगे कपड़े होंगे ये तो। 5,000 की है टी शर्ट और पैंट। 3,000 रुपए की। और जूते कितने के हैं ये? 5,000। और गाल कितने रुपए की दोगे? 4,000। लाओ 4,000 रुपए ले लो फटाफट। साले कपड़ों की बात चल रही, कहाँ कहाँ से आ गई बीच में। तेरी ले भी लूंगा 4,000 में, साले 100 रुपए में ना लू तेरी। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम मेरे साथ गद्दारी करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? गलत सोच है तुम्हारी। अबे सालो, गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, धड़ से अलग। बदमाशी मैंने भी की है, बस कुछ टाइम से बदमाशी छोड़ रखी है। और चाहो तो तीनों के तीनों मुझसे भिड़ के देख लो, अभी अकेला तीनों को मारूंगा, तीनों को। अगर मूंड हो तो आ जाओ भिड़ लो। डर गए साले चिल्लर। अबे तुम तीन मां के ला, फिर भी तुम्हें डर लग रहा है, ये डर चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। देखो गाइस, इन दिनों क्या है, इंस्टाग्राम पे वेरीफाई इतनी तेजी से हो रहे हैं सारे लोगों के अकाउंट, इतनी तेजी से जैसे कि मुठ्ठल लोगों का सेक्सी लुंडिया देखते ही निकल जाता, उससे भी तेज वेरीफाई हो रहे हैं लोगों के। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम 399 रुपये का रिचार्ज कराते हैं 3 महीने के लिए, तो बहन का लोड़ा कब रिचार्ज खत्म हो जाता है, कब 3 महीने घूम के आ जाते हैं यही पता नहीं चलता। वो यार फिर 3 महीने का रिचार्ज कराओ, एक आफत है ये। और ये वाला जो वेरीफाई का रिचार्ज हो रहा है ये 699 रुपये का, मतलब 700 रुपये सीधे हो गए 1 महीने के लिए। तो जल्दबाजी में ऐसा ना हो क्या वेरिफिकेशन के चक्कर में गाल फट जा। बाद में अगर हटेगा और बोले अपनी करा रहे रिचार्ज, पैसे नहीं है, तो बहुत बात खराब होगी। तो चक्कर में मत पड़ो, अपना बेस बनाओ, मेहनत करके अचीवमेंट करो वहाँ तक की, तब वेरीफाई ओरिजिनल मिले तब ठीक है, इसके चक्कर में मत पड़ो। गाल पूरी फट जानी है, मैं खुद भी नहीं करा रहा हूँ इसी वजह से। रेड बुल की कैन। अरे दानिश भाई, क्या हाल है? अरे बढ़िया फैजान भाई। और कहाँ जा रहे हो? अरे यार वो थोड़ा मार्केट जा रहा था, रास्ते में मुझे प्यास लगी, मैं कहा चलो रेड बुल ले लो यार, रेड बुल ही पी ले। दानिश भाई, जहाँ से तुमने रेड बुल की खाली कैन उठाई है वो मैंने पी के फेंकी है। बराबर देख रहे थे। दानिश भाई कहाँ आ रहे हो भाई? अरे यार मार्केट जा रहा था, मुझे प्यास लगी, मैं कहा चलो रेड बुल पी लो। फैन भाई यार सिगरेट पियो तुम यार। लाओ यार पिलवाओ आमिर भाई। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। अब मैं तुझे कैसे बताऊं मेरे दोस्त, मैं अपने साथ साथ तेरी जिंदगी की भी माँ चोद रहा हूँ। यान भाई खत्म हो गई, और पियो यार। हाँ लाओ खत्म हो गई, फेंको और पियो। क्या हुआ भाई आमिर, बड़ी टेंशन में खड़ा है? अबे यार रात सपने में भूतनी आ गई मेरी, फट के 4 हो गई, रात भर टेंशन में सोया हूँ, नींद ना आ रही थी, डरा हुआ था बहुत। अच्छा भाई यार ये बात ठीक नहीं है, तेरे सपने में भूतनी आ रही है, किसी को दिखवाओ, क्या पता आज फिर और आ गई। आज की टेंशन नहीं है, आज तो मैं ले आया 3-4 कंडोम, आज तो साली बुझान दे दूंगा, दरवाजा बंद करके छोड़ूंगा नहीं, और 2-3 दोस्तों को बुलाऊंगा, तू भी आ जाइए। दे साले कभी किसी ने टोकता फोकता करा दिया। अरे उसको छोड़, हमें तो मतलब किसी एक चीज। गुलिस्ता मेरी जान, मुझे रात ही पता चला आपके पापा दरोगा हैं, तो तुम क्या समझ रही हो मैं डर जाऊंगा? गांड फटी पड़ी है। पता ना किस केस में फंसूंगी मुझे भी पता नहीं चल पाएगा। अब तुम्हें छोड़ूंगा तो तुम भी नाटक करोगी और दिखा दोगी 1,00,000 का चिट्ठा खाए पड़े। फंस गए बहन का। नादिर भाई कभी भी जिंदगी में डरना मत यार, डरने से पता क्या होता, आदमी का दिल कमजोर हो जाता, और अगर दिल कमजोर हो गया तो आदमी को हार्ट अटैक आएगा और आदमी मर जाएगा, कभी डरियो मत। दानिश भाई कुत्ता भौंक रिया। रेस्क्यू बैच। भाग सालो, तुम्हें पता ही ना दोस्ती कितनी अनमोल चीज होती है, बताइयो भाई सब दोस्ती के बारे में। दोस्ती मादर चोदी हो घोसड़ी की। तुम खुद छूटी आओ, मतलब हर बात कह रहे हैं तो चूतिया क्या है, हैरानी हो साले सब। तो मैं चले आओ, मतलब चपाट मार दूंगा मैं।
अरे आमिर भाई, इससे इंग्लिश में बात कर लिया, बहुत इंग्लिश झाड़ लिया। मैंने किया तो ये इंग्लिश के बादशाह सलामत से ही मिलवाए दूं। व्हाट इज दिस? बहन कर लो बाबला, बिल्कुल रमजानों में अनार खाने को कह रिया। अरे मैंने ये पूछा है क्या है, क्या है बात है, मत बना अखबार है, अखबार है। अरे भाई साहब, पढ़े लिखे लग रहे हो यार तुम तो। पढ़े लिखे लग रहे हो है, BA, CA, MA, अलाना फलाना सब डिग्री ले रखी है, सब कर रखा मैंने। अरे यार मैं पढ़े लिखे को तो ढूंढ रही हूँ भाई साहब, मुझे डायरेक्टर की स्पेलिंग बता दियो यार जरा। अम्मी भाई साहब, आ गया मैं, भाई साहब डायरेक्टर की स्पेलिंग तो बता दो। अरे साले चूतिया आएगा, और कुछ काम ना अरे यार आमिर भाई सिगरेट पिला दो यार, सिगरेट के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, तू मंगा ले पी लूंगा मैं। अरे ऐसे तो हम भी पी लेंगे यार, तुम मंगा लो, पैसे ही तो ना है बस। पैसे नहीं है तो चल अब मुझे अपना खूंखार दिमाग चलाना ही पड़ेगा, पैसे भी नहीं जाएंगे और सिगरेट भी पियेंगे आप। जी क्या हाल चाल है, एक सिगरेट दे दिया गोल्ड ब्लैक की। अबे वो आती के कद्दू, रिश्तेदारी मत निकाले, पैसे हो तो सिगरेट ले वरना तो जाए यहाँ से। यार आज मेरा दिमाग काम नहीं करा, पैसे नहीं है फिर कभी लंग। नादिर भाई अगर शादी वगैरह में जाओ तो खाने खाने पे ध्यान देना, लड़की बाजी पे ध्यान मत देना यार। क्यों आमिर भाई, पूरी बारात ही मारा है यार। रात यार पापा रात ही से ना भाई, अपने ऐसे गलत काम ना आएंगे। आमिर भाई यार एक काम था तुमसे यार, हमारी जो सेटिंग है ना वो यार मिलने में बहुत दिक्कत कर रही है, उसका पति वापसी आ गया, कुछ बताओ यार क्या करें। एक काम कर दो, उसके पति को जान से मार दो, रास्ते से साफ ही कर दो एकदम। यार तुम दोस्त हो, तुम्हें जान से कैसे मारूं। मेरी तो उसे यार, जब तुम बाहर हो तो भाभी को कुछ ना कुछ सहारा तो चाहिए होगा। साले मैं दुबई में कमा रही हूँ अपनी बहू के चक्कर में। ऐसे तो नादिर भाई हम तुम्हें मरवा दे भी रहे। क्यों, हमारी बहू तो हमारे हाथ पे चढ़ी पड़ी है।